Assalamualaikum everyone, मेरा नाम माजिदा फहमी है और मैं आई बिलोंग टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान और वहाँ से मैं उठ के आई हूँ टेक वैली के साथ. एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी पे हम जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू कराची बेसिकली और इट इज़ अ बिजनेस ट्रिप, बिजनेस टूर, जिसमें हम बहुत सारे पाकिस्तान के जो मेगा जाइंट्स हैं, बिजनेस जाइंट्स जो है पाकिस्तान से, उनकी कंपनीज में जाएंगे, उनके CEO से मिलेंगे, उनसे बहुत सारी उनकी इनसाइट्स लेंगे, उनकी स्टोरीज जानेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे. टेक वैली पाकिस्तान का वो इदारा है जो कि लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करता है थ्रू डिफरेंट कॉरपोरेशंस और बहुत सारे कोलैबोरेशंस और इनकी प्रोजेक्ट्स होते हैं विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल. तो सबसे पहले जो हमारा विजिट होगा वो होगा कि फूड पांडा का. आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम आए हैं फूड पांडा जो क्यूट सा हमारा पांडा है और उसके आजकल हम एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं और इनका बहुत ही डिफरेंट बिजनेस मॉडल है. मुझे बहुत यूनिक लगा इनका बिज़नेस मॉडल. थोड़े से बहुत डाउट्स भी थे जिनको आज हम क्लियर करेंगे यहाँ की मैनेजमेंट से मिल के. ये हेडक्वार्टर्स है इनका कराची में, तो आज हम इनसे मिलेंगे और सारी जो है इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से इतनी बड़ी मार्केट में ये कम्पीट कर रहे हैं. तो ये जो इनका ऑफिस है ये हमें बड़ा प्यारा सा लगा. बहुत ही वेलकमिंग एम्प्लॉयज़ हैं इनके और बहुत खुशी हुई यहाँ आके. तो चले पूरा टूर करते हैं हम इनके ऑफिस का. Human Resource Department is known as People and Organization. Food Panda sirf aur sirf young or fresh talent ko hire karta hai aur unki organization mein sabse jo oldest person hai that is 35 years old wo khud unka CEO hai. इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ मोस्टली ऑनलाइन ही स्टार्ट होता है, जहाँ पे वो स्टार्टर लेवल्स पे इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं एंड देन व्हेन पीपल गेट हायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन देन दे ग्रो एट डिफरेंट पोजीशंस एट डिफरेंट लेवल्स. इनके अलावा इनके साथ जितने भी रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स, होम शेफ्स एंड राइडर्स होते हैं दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम एंड विद when meeting a certain criteria they both get registered and they both start working as a team. Kaisi hai aapka kaam kya hai? I am here as an associate social media, and I work on social media platform and all. What do you love about food pie? Everything. Okay, nice. जब हमने उनके HR मैनेजर से पूछा कि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस इनको कहाँ पे आते हैं, तो she mentioned कि यंगस्टर्स को उनके वर्क में मीनिंगफुलनेस दिखाना कि योर वर्क इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अ लार्जर ऑडियंस, तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम है एज HR मैनेजर उनके लिए. जब हमने HR मैनेजर से पूछा कि कोई रीसेंट मिस्टेक अपना मेंशन करे एज एन HR मैनेजर दैट यू हैव मेड रिसेंटली, तो शी मेंशनड कि वो जब डिफरेंट सिटीज़ में एक्सपेंड कर रहे थे अपनी फूड चेन्स को, अपने ऑफिसेस को, तो एबटाबाद में जब उन्होंने एक्सपेंड करने की कोशिश की इन विंटर सीजन्स, तो उन्होंने जो है ना लोकल कॉन्टैक्ट्स को कंसिडर नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि सर्दियों के महीने में एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे हीटिंग फैसिलिटी भी चाहिए थी, दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी थी जो कि उन्होंने इन कंसिडरेशन नहीं ली हुई थी एंड दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम, ह्यूज मिस्टेक दे हैड मेड एंड दैट वाज अ वेरी गुड लर्निंग पॉइंट फॉर देम. ओवरऑल फूड पांडा के HR डिपार्टमेंट का बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है. दे एंटरटेन गेस्ट्स एज वेल और उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं. जो भी बाहर से कोई आता है तो उनको गिफ्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट करते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को भी बहुत फ्लेक्सिबल और खुश रखते हैं सो दे कैन वर्क बेटर. नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पाकिस्तान का बहुत ही एक एविडेंट जगह है जहाँ पे इसी तरह के ही स्टार्टअप्स जाते हैं जो लॉन्च इनिशियल आइडिया स्टेज पे हो या ग्रोथ स्टेज पे हो, वो अपनी आइडियाज़ ले जाके वहाँ पे जो है ना इंक्यूबेशन हासिल कर सकते हैं. इसी तरह का एक और स्टार्टअप है दुर्शल, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल NIC के बारे में आपको हम ये सारी गाइडलाइंस. तो हम आए हैं जी कराची और यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होते हैं.
जो बिजनेस आइडियाज़ लेके आते हैं, जो खुद को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, सोसाइटी में चेंज लेके आना चाहते हैं अपने बिजनेसेस के थ्रू, ये वो जगह है। तो फिर गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं NIC के रांची, यहाँ के कैसे किस तरह के लोग बसते हैं यहाँ पे, वो दिखाएंगे। और जो मेहनत करने वाले जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो दिल से जज्बे से एक पोटेंशियल लेके आते हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे। और हमने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं सेशंस के थ्रू, सो टेक अ टू विद अस। देखा कि हम NIC पूरा हमने विजिट किया, वहाँ के एंटरप्रेन्योर से मिले जो स्टार्टअप्स वहाँ पे हैं, और उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी। और मुझे ये पता चला कि जो बाइकिया है, बाइकिया और तराज का जो फाउंडर है, वो भी इसी इंक्यूबेटर से होके गुजरे हैं, एंड इट वाज रियली अ कूल थिंग। और इंशाल्लाह हम और हमें भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई, जहाँ पे हमने एक ऑफर लेने में कामयाब हुए हम अपने सीकोवेशन प्रोजेक्ट के लिए, एंड उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक्साइटेड है। और हम जाके उस कंपनी से मिलेंगे। और इसी तरह से जिस आपके भी जितने बिजनेसेस हैं, आप भी अगर कुछ करना चाहते हो, तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे आप आके ये आपको एक्सेलरेट करेंगे, ये आपको आगे लेके जाएंगे। इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने छोड़ना नहीं है। तो आप भी आके NIC में अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और हम खुद भी करने वाले हैं। सो लेट्स कम्पीट इन बिजनेस। सो टेक वैली ने हम एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी पे लेके गया, और हमें सारा कुछ दिखाया कि जो जाइंट्स हैं, जो बिजनेस को सक्सेस पे है, अपनी पीक्स पे है, वो किस तरह से किस स्ट्रेटजीज़ के थ्रू सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि अभी छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। और हमने बहुत कुछ सीखा इस पूरे जर्नी में। हम एंटरप्रेन्योर्स से मिले, उनके CEOs से मिले, उनकी जो पूरी टीम होती है उनसे हम मिले, उनकी सक्सेस स्टोरीज हमने देखी। तो इट वॉज रियली गुड, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू टेक वैली जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम जैसे लोगों को, हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को बोले जाके वो दिखा रहे हैं कि हाउ यू कैन ग्रो एट दैट लेवल। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग पार्ट अबाउट टेक वैली। अगर आप टेक वैली के बारे में और मज़ीद जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनके सोशल मीडिया पेजेस या उनके यूट्यूब पेज पर आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और उनके साथ कनेक्टेड रहे हैं, बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग एवरी सिंगल डे, एंड यू कैन लर्न एंड ग्रो फ्रॉम देम।